डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। ब्लड डोनेशन कैंप में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मोत्सव समारोह में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत अंबेडकर भवन पटपरा मोहल्ला पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन मिशन फॉर द हेल्प सोसाइटी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आयोजन का शुभारंभ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद वर्मा ने कहा कि रक्तदान ही महादान है जो जरूरतमंदों के लिए जीवनदान होता है। रक्तदान शिविर में विशेष अतिथि मुकेश कुमार, श्याम सुंदर वर्मन पत्रकार थे। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी दिनेश आटिया, दिनेश अग्रवाल, रमा हजारी, मुंशी ठेकेदार, लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार तथा युवाओं ने रक्तदान किया, जिसमें 41 यूनिट शिविर में रक्तदान हुआ। रक्तदान दाताओं को अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह कमेटी के संयोजक राजकुमार पप्पा व गोपाल जेसीबी वाले व मिशन फॉर दी हेल्प सोसाइटी द्वारा माला पहनाकर दीवार घड़ी देकर प्रशस्ति पत्र दिए गए और आर्मी हॉस्पिटल से आई मेडिकल टीम डॉक्टर नरेश, विष्णु चौरसिया, लैब टेक्नीशियन चेतन, नरेश कुमार वंशीवाल ने दानदाताओं का ब्लड संग्रह किया। इस अवसर पर राजकुमार पप्पा, रमा हजारी, दिनेश आटिया, मुंशीलाल ठेकेदार, दीपमाला, टीम प्रभारी मुकेश कुमार, लक्ष्मण सिंह कैन, बने सिंह नकला शह, उदय सिंह, प्रेम सिंह ठेकेदार, विजय सिंह, सुखपाल, राजू कंचन, नरेश बौद्ध, लच्छी राम, इंदर सिंह, मदन मुंशी आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति अब की बार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एवं प्रबुद्ध नागरिक अधिक से अधिक जयंती समारोह में शामिल होंगे, ऐसा संरक्षक राजकुमार पप्पा ने मीडिया को बताया।